हेलो दोस्तों, रंभा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल नारियल के लड्डू। ये नारियल लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और सबको पसंद आते हैं। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि नारियल लड्डू बनाने के लिए हमको क्या-क्या सामान की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप नारियल बुरादा। ये मार्केट में परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा आपको। और मैं सेम कप से 1 कप मैं दूध ले लूंगी। आप कोई भी घर के कटोरी सेट करते हो उसी से 2 कटोरी बुरादा और 1 कटोरी दूध डालना। और सारे को मैं मिला दूंगी। इस तरह आप मिला लीजिए। अब मैं गैस जला के कढ़ाई को रख दी हूँ और इसको धीमी फ्लेम पे आपको भूनना है। चलाते हुए भूनते रहिए, नहीं तो हमारा नारियल चिपक जाएगा कढ़ाई में और जल भी जाएगा। अच्छे तरह मिलाते हुए पकाइए। गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। आप इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। हम अब मेरे को 3-4 मिनट भूनते हुए हो गए। इसमें मैं डालूंगी 80 ग्राम बूरा। आप यहाँ पे चीनी को भी पीस के डाल सकते हो। और इसको भी सारे को मैं मिला लूंगी अच्छी तरह। आप इसी तरह अच्छे तरह मिलाते रहिए। इसको कम से कम मैं 9-10 मिनट लग जाएगा भूनने में। आप इसी तरह भूनते रहिए। जिस तरह मैं लड्डू बना रही हूँ आप एक बार जरूर घर पे बना के देखना। बहुत टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं 4 भागों में इसको बांट लूंगी। ये 9 मिनट मैं पकाई हूँ अच्छी तरह मीडियम आंच पे। अब एक हिस्सा के मैं नारियल निकाल लूंगी। आप देख सकते हो मैं एक हिस्सा निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं कलर डालूंगी। ये लड्डू हम ऑरेंज कलर के बना रहे हैं। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, नहीं तो बिना कलर के भी बना सकते हो। अब इसमें मैं ले ली हूँ 80 ml रूअफ़ज़ा। और इसको भी साथ में मैं चला लूंगी 1 मिनट। रूअफ़ज़ा से कलर अच्छा आ जाते हैं। बाय चांस कलर नहीं आए
तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हो। रुआबजा से ये कोकोनट लड्डू में बहुत स्वादिष्ट टेस्ट आते हैं। थोड़ा सा मेरे लड्डू में कलर नहीं आया है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। ये फूड कलर किसी भी परचून की दुकान में आपको मिल जाएगा आसानी से, आप कोई भी कलर के ले सकते हैं। और मिला दूंगी। अब आप देख सकते हैं हमारे कोकोनट लड्डू में कलर आ रहे हैं। गैस के मीडियम फ्लेम पर रखना है, इस तरह चलाते रहिए। ये हमारा हो गया है, मैं इसको एक बार सारे मिला लूँगी और एक प्लेट में मैं सारे निकाल लूँगी। ये मिश्रण लड्डू के लिए तैयार है। अब हमारा लड्डू के लिए ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको उसी प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। सारे मैं निकाल रही हूँ। आप इस तरह सारे निकाल लीजिए और मैं ठंडा कर लूँगी लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले मैं सफ़ेद वाले लड्डू बना लूँगी। छोटा छोटा गोला बनाना है आपको इसको, इस तरह दबाइए हाथ से और इसको इस तरह गोल कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा लड्डू छोटा छोटा बन गया। सेम प्रोसेस से मैं सारे व्हाइट वाले पहले लड्डू बना लूंगी। देखिए हम सारे व्हाइट वाला लड्डू गोल गोल बना लिए हैं। अब मैं ऑरेंज वाले लड्डू बनाऊंगी। ऑरेंज वाले थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हाथ में ले ली हूँ मैं। इस तरह थोड़ा सा दबा दूंगी हल्के हाथ से प्रेस करके और बीच में। और एक लड्डू उठा के इसको बीच में रख दूंगी व्हाइट वाले को, और चारों तरफ इस तरह प्रेस करते हुए मैं लड्डू को दबाते हुए इसको बंद कर दूंगी। जैसा आप पराठा के लिए भरते हो उसी तरह इस तरह भर के और गोल कर देंगे, लड्डू के शेप दे देंगे आप। ये देखिए हमारा लड्डू बन गया है। अब मैं दूसरा लड्डू भी बना के आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह दबा दीजिए और अंगूठे से ऐसे दबा दीजिए और सारे को इसमें एक गोला रखेंगे व्हाइट वाले, फिर दबा देंगे और चारों तरफ से इसको ढक देंगे इस तरफ ऑरेंज वाले लड्डू से। ये देखिए हमारा गोल लड्डू तैयार हो गया है। आप इसी प्रोसेस से सारे लड्डू बना लीजिए। देखिए हम सारे लड्डू तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा नारियल बुरादा से मैं गार्निश कर लूँगी। आप इस तरह गार्निश कर लीजिए। अब देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू लग रहा है देखने में। मैं थोड़ा सा बादाम से उसके ऊपर लगा दूँगी, इस तरह लगा रही हूँ मैं।
अब देखिए मैं सारे लड्डू को गार्निश कर ली हूँ, ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं आपको एक लड्डू को काट के दिखाऊंगी कि बीच से हमारा कितना अच्छा इसका शेप आया है। आप इस तरह चाकू से काट लीजिए। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारा लड्डू का। आप इस तरह लड्डू बनाइए, खाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोग तक पहुँच सके। दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि हमारा ये लड्डू कैसे बना है। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।